Students, in previous class we started our new chapter in class 4th, that is our clothes. हमने पिछली क्लास में हमारा न्यू चैप्टर स्टार्ट करा था क्लास 4th में EVS सब्जेक्ट में. उसका नाम था चैप्टर का नाम our clothes. ठीक है, उसमें we discuss about the various types of the cloth process. हमने कपड़े की जो प्रोसेस थी हमने पिछली क्लास में वीडियो में देख लिया था. Now today we will discuss about कि Which types of clothes we are wearing in different season? हम किस तरह के कपड़े अलग अलग सीज़न में पहनते हैं. तो बेसिकली हमारे जो सीज़न है, देर आर थ्री टाइप्स ऑफ सीज़न, तीन तरह के सीज़न है, एक समर, विंटर एंड रेनी सीज़न. ओके, तो डिफरेंट डिफरेंट सीज़न के अकॉर्डिंग हम जो कपड़े अटायर करते हैं, जो ड्रैप करते हैं, जो कपड़े हम पहनते हैं, वो भी कैसे पहनते हैं, सीज़न के अकॉर्डिंग पहनते हैं. ठीक है, तो क्लॉथ्स आर वॉर्न अकॉर्डिंग टू द क्लाइमेट ऑफ अ प्लेस, कस्टम एंड ट्रेडिशनल एंड द अवेबिलिटी ऑफ क्लॉथ मटेरियल. जो कपड़े बनाए जाते हैं या जो कपड़े हम पहनते हैं, तो हम क्लाइमेट के अकॉर्डिंग पहनते हैं. क्लाइमेट मतलब जिस तरह का हमारा मौसम रहता है, जिस तरह का हमारा सीज़न रहता है, हम उसके अकॉर्डिंग कपड़े पहनते हैं. और कस्टम्स हमारी परंपराओं के अकॉर्डिंग कपड़े पहनते हैं, और ट्रेडिशनल के अकॉर्डिंग हम कपड़े पहनते हैं. और जितना भी क्लॉथ मटेरियल हमको मिल जाता है, उसके अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, कपड़े को पहनते हैं. तो जैसे कि देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ द सीज़न, यू कैन सी समर, विंटर एंड रेन. ठीक है, तो समर में हम किस तरह के कपड़े पहनते हैं, जो हमारे लिए कैसे हो, हल्के हो, क्योंकि समर सीज़न में क्या होता है, गर्मी बहुत ज़्यादा लगती है. तो अगर हम मोटे वाले कपड़े पहन लेंगे तो क्या हम गर्मी से बच पाएंगे, नहीं. तो इन समर सीज़न वी आर वेयरिंग कॉटन क्लॉथ्स. ठीक है, कॉटन के कपड़े पहनते हैं, जो कि हल्के रहते हैं, जो कि ईजीली हमें क्या रहता है, हमें ठंडा, मतलब कि हमें कूल रखते हैं. अगर हम मोटे तरह के कपड़े पहनेंगे तो वार्म अप करेंगे, मतलब कि हमें गर्मी लगेगी, बहुत ज़्यादा ही गर्मी लगेगी, जिसकी वजह से हमें बहुत ज़्यादा सफोकेशन वगैरह होने लगेगा. तो जो हल्के कपड़े रहते हैं, जो कि ईजीली हम ड्रैप कर सकते हैं समर सीज़न में, उस तरह के कपड़े हम कॉटन क्लॉथ्स जो रहते हैं, वो उस तरह के हम कपड़े समर सीज़न में पहनते हैं. विंटर में हम कैसे पहनते हैं, विंटर में हम वूलन क्लॉथ्स पहनते हैं. क्यों पहनते हैं, क्योंकि विंटर में क्या होता है, विंटर सीज़न में क्या होता है, हमें ठंडी बहुत लगती है. तो हमारी बॉडी को वार्म रखने के लिए, गर्म रखने के लिए हम किस तरह के कपड़े पहनते हैं, गर्म कपड़े पहनते हैं. ठीक है, तो इन विंटर सीज़न वी आर वेयरिंग वूलन क्लॉथ्स. ठीक है, सबको पता है कि विच टाइप ऑफ क्लॉथ्स वी आर वेयरिंग इन विंटर एंड विच टाइप्स ऑफ क्लॉथ वी आर वेयरिंग इन समर. ठीक है, इन रेनी सीज़न वैन एवर देर इज़ अ रेनफॉल, जब भी बारिश गिरती है, जब भी बारिश आती है, तो हम अपने आप को बचाने के लिए किसका यूज़ करते हैं, प्रोटेक्ट करने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं, अम्ब्रेला या फिर रेनकोट का. ठीक है, तो दिस आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ द क्लॉथ्स विच वी आर वेयरिंग इन डिफरेंट सीज़न. यू ऑल दिस स्टडीड इन योर प्रीवियस क्लास. आप लोग ने थर्ड क्लास में भी ये वाला जो चैप्टर है, ये वाला आपने पढ़ा होगा, डिफरेंट टाइप्स ऑफ ड्रेसेस वी आर वेयरिंग इन डिफरेंट सीज़न. ठीक है, तो इफ एनीवन विल आस्क विच टाइप ऑफ क्लॉथ्स यू आर वेयरिंग, तो अकॉर्डिंग टू द सीज़न वी आर वेयरिंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ द क्लॉथ्स. मतलब कि सीज़न के अकॉर्डिंग, क्लाइमेट के अकॉर्डिंग, मौसम के अकॉर्डिंग हम कपड़े पहनते हैं. ठीक है, देन नेक्स्ट टॉपिक इज मैंस एंड वुमेन्स इंडियन ट्रेडिशनल ड्रेस ऑफ डिफरेंट स्टेट्स. मतलब कि हियर वी आर डिस्कसिंग अबाउट द क्लॉथ्स. इस चैप्टर में हम किसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं, कपड़ों के बारे में डिस्कस कर रहे हैं. एज आई टोल्ड यू अर्लियर, मैं आपको पहले भी बोल चुकी हूँ कि वॉट एवर द ड्रेसेज विच वी आर अपेयरिंग, वॉट एवर द ड्रेसेज विच वी आर ड्रैपिंग, जिस तरह के भी कपड़े हम पहनते हैं, तो हम ट्रेडिशन के अकॉर्डिंग भी पहनते हैं, कस्टम्स के अकॉर्डिंग भी पहनते हैं. ठीक है, तो हमारा जो इंडिया है, इंडिया कैसा बहुत बड़ा देश है, उसमें जो राज्य है, जो स्टेट्स है, अलग अलग स्टेट्स है. जैसे कि मध्य प्रदेश में हम रहते हैं, वो हमारा एक स्टेट है. जो साउथ में, जैसे कि अगर हम बात करें महाराष्ट्र की, तो महाराष्ट्र एक अलग स्टेट है. हम अगर बात करें आंध्र प्रदेश की, तो आंध्र प्रदेश अलग स्टेट है. तो इन जो अलग अलग स्टेट्स होते हैं, इनका जो पहनावा होता है, इनका जो ड्रेस होता है, इनका जो कस्टम होता है, इनकी जो परंपरा होती है, वो भी कैसी रहती है, अलग अलग होती है. जैसे कि इफ़ वी विल डिस्कस आवर स्टेट, मध्य प्रदेश की हम बात करें,
तो हमारे मध्य प्रदेश में हम कैसी साड़ी पहनते हैं, सिंपल टाइप ऑफ साड़ी वी आर वेयरिंग। पर इफ वी विल टॉक डिफरेंट स्टेट्स, अलग अलग स्टेट्स की बात करें तो वहाँ का जो पहनावा भी रहता है कैसा रहता है, अलग रहता है। जैसे कि आप लोग ने देखा होगा, आपके जो अगर आप लोग ने राजपूत लोग को देखा होगा, राजस्थानी लोग को देखा होगा, तो उनका ड्रेस कैसा रहता है, घाघरा और चोली वाला रहता है। पंजाबी लोग को देखा होगा तो उनका जो ड्रेस रहता है सलवार सूट रहता है। महाराष्ट्रीय लोगों को देखा होगा तो उनकी कैसी रहती है, काष्ठा साड़ी रहती है, मतलब कि कॉटन की जो सिल्क कॉटन की जो साड़ी रहती है उस तरह की वो साड़ी पहनते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि अलग अलग स्टेट्स का जो ड्रेस रहता है वो भी कैसा रहता है, अलग अलग रहता है। हर कोई अपने स्टेट्स के बारे में, अपने क्लॉथ्स के जरिए या फिर ड्रेसेस के जरिए अपने स्टेट्स को रिप्रेजेंट करता है। तो वी वेयर क्लॉथ्स टू लुक अट्रैक्टिव, वी वेयर स्पेशल क्लॉथ्स ऑन स्पेशल ओकेशन। अब कोई भी ओकेशन हो, कोई भी फेस्टिवल हो, तो हम कैसे कपड़े पहनते हैं, कल्चरल वाले कपड़े पहनते हैं, ट्रेडिशनल कपड़े पहनते हैं। और हमारे देश की जो सबसे कॉमन ड्रेस है वो क्या है, जो विमेंस पहनती है सबसे कॉमन ड्रेस क्या है, वो है साड़ी। ठीक है, द मोस्ट कॉमन ड्रेस इन वुमेन दैट इज़ साड़ी। साड़ी कैसी, साड़ी सबने देखी, साड़ी क्या रहती, सबसे कॉमन है हमारे इंडिया की। और जो साड़ी रहती वो अलग अलग स्टेट के अकॉर्डिंग साड़ी भी अलग अलग तरह से पहनी जाती है। ठीक है, इफ वी विल टॉक ड्रेसेस ऑफ वुमेन ऑफ डिफरेंट स्टेट्स, अगर हम वुमेन्स की ड्रेसेस के बारे में बात करें अलग अलग स्टेट्स की, तो उनका जो पहनावा रहता है वो भी अलग होता है। जैसे कि दिस इज़ द पिक्चर ऑफ वन वुमेन जो कि पंजाबी है। अगर हम पंजाब में जाएं तो जो पंजाबी वुमेन होती है, जो पंजाबी गर्ल होती है, वो किस तरह का ड्रेस पहनती है, सलवार सूट। ठीक है, इफ वी विल गो टू द नेक्स्ट स्टेट दैट इज़ हिमाचल प्रदेश, पहाड़ी इलाका है वहाँ पे, पहाड़ी इलाका है, तो वहाँ जो पहाड़ी लड़कियाँ होती है वो किस तरह का पहनती है, इस तरह का ड्रेस पहनती है, और वो पूरा एसेसरीज गेन करके रखती है, जैसे कि आप स्मार्ट बोर्ड पे देख सकते हैं। तो दिस इज़ द पिक्चर ऑफ हिमाचल प्रदेश वुमेन, हिमाचल की जो गर्ल होती है, जो हिमाचली पहाड़ी लड़कियाँ होती है, वो इस तरह का ड्रेस पहनती है। अब जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो मोस्ट कॉमन ड्रेस है हमारे इंडिया का वो क्या है, साड़ी है। तो जैसे मैंने आपको बताया कि अलग अलग स्टेट्स की जो विमेंस होती वो भी क्या रहती है, अलग अलग टाइप की साड़ियाँ पहनती हैं। तो दिस इज़ द पिक्चर ऑफ आसामी, ये आसाम की ड्रेस है, आसाम की जो विमेंस होती इस तरह की साड़ी पहनती है, मतलब कि इसको बोला जाता है मेखला चादर, जो इनका साड़ी का नाम रहता है वो क्या होता है, मेखला चादर, मतलब कि इसमें जो प्रिंट होती है, अगर आप देखेंगे तो अपने जो घरों की बेडशीट होती है ऐसी छोटी छोटी उस टाइप की प्रिंट होती है, इस तरह की जो साड़ी पहनी जाती है वो आसाम की विमेंस पहनती है। ठीक है, नाउ दिस इज़ द पिक्चर ऑफ राजस्थानी वुमेन, राजस्थान की जो, आप कभी राजस्थान पर जाओ, राजस्थान में जाओगे तो वहाँ की जो वुमेन्स रहती है कैसी पहनती, घाघरा लहंगा चोली पहनती है, घाघरा चोली। तो लहंगा सबने देखा, एवरी वन नोज दिस टाइप ऑफ ड्रेस। उनका जो ज्वेलरी रहता है वो भी हमारे मध्य प्रदेश स्टेट्स के से बिल्कुल अलग होता है। तो हियर वी डिस्कस अबाउट द डिफरेंट टाइप्स ऑफ द ड्रेसेस ऑफ वुमेन्स इन अदर स्टेट। हमने क्या डिस्कस करा, अलग अलग तरह के जो ड्रेस होती है वुमेन्स में वो हमने डिस्कस करा। अंडरस्टूड दिस मच अबाउट ड्रेसेस ऑफ वुमेन एंड द क्लॉथ्स वी आर वेयरिंग। नाउ एज वी डिस्कस अबाउट द ड्रेसेस ऑफ वुमेन, जैसे कि हमने वुमेन की ड्रेसेस के बारे में डिस्कस करा, वुमेन के बारे के बारे में हमने समझा, उसी तरह से हम ड्रेसेस ऑफ मैन देखेंगे। अलग अलग स्टेट्स में जो मेन होते हैं, जो आदमी होते हैं, उनका भी ड्रेस कैसा होता होगा, अलग होता होगा। तो जैसे जो कश्मीरी लोग होते हैं, जो कश्मीर के लोग होते हैं, जो कश्मीर के मेन होते हैं आदमी होते हैं, वो किस तरह का पहनते हैं, फिरन सलवार विद कैप। उनका जो ड्रेस होता है, जैसे कि हमारा कुर्ता पजामा होता है, उस तरह से उनका प्रिंटेड वाला कुर्ता पजामा, या जिसको हम बोलते हैं फिरन सलवार। और उनकी स्पेशलिटी क्या रहती है कि वो कैप लगाकर ज़रूर रखते हैं, जैसे कि आप स्मार्ट बोर्ड पे देख सकते हैं इस कार्टून को, इस पिक्चर को, कि जो है पिक्चर में वो आदमी किस तरह से उसने कुर्ता पजामा पहना, उसके अंदर जॉकेट लगाया और उस पर क्या अपना क्या लगाया, कैप लगाया। तो इट इज़ द स्पेशलिटी ऑफ कश्मीरी मैन, ये एक स्पेशलिटी, मतलब कि ये इस तरह का ड्रेस कश्मीर के लोग, जो कश्मीर के मैन होते, जो जेंट्स होते, इस तरह का ड्रेस पहनते हैं।
राजस्थान के लोग कैसे रहते हैं, धोती कुर्ता पहनते हैं, उनका जो कुर्ता रहता है किस तरह का रहता है, फ्रॉक टाइप में रहता है और धोती, और उनमें वो लोग क्या बांधते हैं, पगड़ी बांधते हैं। तो राजस्थान के लोग चूड़ीदार कुर्ता और ऐसे फ्रॉक वाला जो कुर्ता फ्रॉक वाला जो कुर्ता रहता है और जिस तरह का सलवार वो जिस तरह की धोती पहनती है, यू कैन सी ऑन स्मार्ट बोर्ड। और वो उनकी स्पेशलिटी क्या रहती है कि वो क्या लगा के रखते हैं, उनके सर पर पगड़ी लगा के रखते हैं। तो अलग स्टेट्स का ड्रेस भी कैसा रहता है मैन का, वो भी हमने देखा, अलग टाइप का रहता है। दिस इज़ द पिक्चर ऑफ केरली मैन। जो केरल के लोग होते हैं वो क्या पहनते हैं, शर्ट और लुंगी पहनते हैं। ठीक है, देखा होगा आपने शर्ट और लुंगी पहनते होंगे, कभी आपने टीवी वगैरह में अगर देखा होगा किसी तरह का शो, उसमें आपने कभी केरली लोग को देखा होगा तो उसमें इस तरह का ड्रेस पहनते हैं। वो क्या लगा के रखते हैं, अपने सर पे चंदन लगा के रखते हैं। तो दीज आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ द ड्रेसेस विच वी डिस्कस अबाउट द मैन। अलग अलग स्टेट्स के लोगों भी कैसे पहनते हैं, अलग अलग तरह के ड्रेस पहनते हैं ताकि वो अपने स्टेट्स को क्या कर सके, रिप्रेजेंट कर सके। ठीक है, और ना जैसे कि हमने ट्रेडिशनल ड्रेस के बारे में डिस्कस करा, ट्रेडिशनल ड्रेस अलग अलग स्टेट्स में किस तरह की जो ड्रेस रहती है वो वुमेंस और मैन के द्वारा पहनी जाती, यह हमने डिस्कस करा। अब हम देखेंगे मॉडर्न ड्रेस के बारे में। मॉडर्न ड्रेसेस क्या होती हैं, जो कि आजकल के लोग पहनते हैं। जैसे कि नावडेस विच टाइप ऑफ द ड्रेसेस मैन एंड वीमेन दे आर गेनिंग ऑन देयर बॉडी, किस तरह के ड्रेसेस पहनते हैं। जैसे कि मैन और वुमेन जींस पहनते हैं, मैन जो रहते हैं जीन्स शर्ट टी शर्ट इस टाइप के जो ड्रेस रहते हैं वो पहनते हैं। जो गर्ल्स होती है दे आर ऑल्सो ट्रैपिंग द जीन्स टी शर्ट टॉप, दिस आर द मॉडर्न ड्रेसेस। ये किस तरह की ड्रेस है, मॉडर्न ड्रेस है। जैसे कि शॉर्ट जैसे कि लैगी कुर्ता हो गया, दिस आर ऑल्सो द मॉडर्न ड्रेसेस। द ड्रेसेस आर जनरली वॉर्न बाय पीपल इन बिग सिटीज। इस तरह की जो ड्रेस रहती है वो जनरली हम कहाँ पर पहनते हैं, जो बड़ी बड़ी सिटियाँ रहती है, मतलब कि आजकल तो हर जगह ही हर लोग इस तरह के ड्रेस पहनते हैं। तो दिस आर द मॉडर्न ड्रेसेस, जैसे कि हमारी शर्ट हो गई, पैंट हो गई, हमारे कुर्ते हो गए, हमारे लेगिंग्स हो गई, हमारे टॉप हो गए, हमारे टी शर्ट्स हो गई, दिस आर कॉल्ड द मॉडर्न ड्रेसेस। तो इन दिस चैप्टर व्हाट वी डिस्कस अबाउट द वेरियस टाइप्स ऑफ द क्लॉथ प्रोसेस। क्लॉथ की क्या प्रोसेस होती है हमने वो देखा। अगर आपसे कोई पूछे वीविंग क्या होता है, तो वीविंग क्या होता है, हाथ से बुना हुआ कपड़ा, मतलब कि हैंडलूम्स, उसको हम क्या बोलते हैं, वीविंग। निटिंग क्या होता है, जो नीटिंग नीडल्स के द्वारा बुना जाता है, मतलब कि इन दो सुइयों के द्वारा जो बुना गया कपड़ा है उसको हम क्या बोलते हैं, नीटिंग। देन वी डिस्कस अबाउट द वेरियस टाइप्स ऑफ द टेक्सटाइल्स। वेरियस टाइप्स ऑफ टेक्सटाइल्स में हमने कलमकारी देखी, जिसमें कि डाइंग करते हैं, कि अलग अलग टाइप की एम्ब्रॉयडरी देते हैं। फिर हमने देखा इसमें फुलकारी देखा, फुलकारी जो कि पंजाब में ज़्यादातर फेमस है। आफ्टर दिस वी डिस्कस अबाउट द ब्लॉक प्रिंटिंग। ब्लॉक प्रिंटिंग के बारे में देखा, दिस इज़ द वर्क ऑफ कांथा वर्क, जिसमें कि अलग अलग धागों का यूज़ कर बहुत सारे वर्क या फिर एम्ब्रॉयडरी की जाती है। देन इट इज़ द पिक्चर ऑफ इकात। इकात क्या होता है, डाइंग की जाती है। डाई जिस तरह से हम वाटर कलर का यूज़ करते हैं, उस तरह से हमारे कपड़ों पर इस तरह का डाइंग किया जाता है अलग अलग फैब्रिक पर। देन वी डिस्कस अबाउट द डिफरेंट टाइप्स ऑफ द सीजन्स, की अलग अलग सीजन में किस तरह के कपड़े पहने जाते हैं, उस तरह के कपड़े हमने डिस्कस करें। देन वी डिस्कस अबाउट द ट्रेडिशनल ड्रेसेस। ट्रेडिशनल ड्रेसेस अलग अलग स्टेट्स के लोग भी किस तरह के ड्रेस गेन करते हैं, किस तरह का पहनते हैं। तो ये रहा सम क्वेश्चंस की, जैसे कि यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस मैं आप लोग को बता रही हूँ। जैसे कि कलमकारी कहाँ पर, कौन से स्टेट में ज़्यादा फेमस है, कलमकारी कहाँ पर यूज़ किया जाता है, मैंने आप लोग को बताया था कलमकारी इज़ फेमस इन बिहार। ये बिहार के राज्य में ज़्यादातर यूज़ किया जाता है कलमकारी, मतलब कि इस तरह की जो भी प्रिंट होती है वो कहाँ पर की जाती है, बिहार राज्य में ज़्यादातर की जाती है। निटिंग जो है, निटिंग सबको पता है, निटिंग में बता चुकी हूँ। निटिंग क्या है, निटिंग किसके द्वारा की जाती है, इट इज़ डन विद द हेल्प ऑफ निटिंग मशीन। निटिंग मशीन के द्वारा निटिंग की जाती है। राजस्थान विच टाइप ऑफ द ड्रेसेस वीमेन आर वेयरिंग। राजस्थान में किस तरह की ड्रेस जो वीमेंस होती है वो पहनती है, घाघरा और चोली। ठीक है, दिस इज़ द ड्रेस ऑफ राजस्थान। ठीक है, जो क्लॉथ्स बने हुए रहते हैं, जैसे क्लॉथ्स मेक अस लुक स्मार्ट एंड
क्लॉथ्स क्यों पहनने चाहिए? क्योंकि हमें क्या करते हैं, प्रोटेक्ट भी करते हैं और हमें स्मार्ट भी बनाते हैं। ठीक है, अगर आपसे कोई पूछे कि उत्तर प्रदेश में किस तरह के ड्रेस पहनते हैं मेंस, तो उत्तर प्रदेश में दे आर वेयरिंग धोती कुर्ता या फिर कुर्ता पजामा। जो उत्तर प्रदेश की खासियत है वो किस तरह की, धोती कुर्ता। हमारे मध्य प्रदेश की भी क्या है अगर हम देखें यहाँ पे भी, तो द स्पेशलिटी ऑफ अवर मध्य प्रदेश इज धोती कुर्ता। जो जेंट्स होते, जो मेंस होते, वो भी किस तरह के ड्रेस पहनते हैं, धोती कुर्ता ही पहनते हैं। ठीक है, तो हियर वी डिस्कस अबाउट द क्लॉथ्स, क्लॉथ्स क्यों पहनना चाहिए, क्योंकि हमें क्या करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं हीट, डस्ट, कोल्ड, रेन, इन सब चीज़ों से क्या करते हैं, हमें बचा कर रखते हैं। हमें क्लॉथ्स क्या क्यों पहनना चाहिए, क्योंकि हमें स्मार्ट भी बनाते हैं और अट्रैक्टिव भी बनाते हैं। और हमने डिफरेंट वेज ऑफ द टेक्सटाइल के बारे में डिस्कस करा, जैसे कलमकारी हो गया, ब्लॉक प्रिंटिंग हो गया, फुलकारी हो गया, इकात हो गया, काथा वर्क हो गया। दिस आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ द टेक्सटाइल्स विच वी डिस्कस इन दिस चैप्टर। ओके, तो टूडे वी कंप्लीटेड दिस चैप्टर इन क्लास 4th। इन नेक्स्ट क्लास वी विल स्टार्ट अवर न्यू चैप्टर। थैंक यू।